जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी के ऐसे रहस्य बताएंगे। ये रहस्य शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र गुफा में वैष्णो देवी के दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के भवन पहुंचते हैं। माता रानी अपने दर पर आए सभी भक्तों की झोली भर देती है। प्रत्येक हिंदू की यह इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन में एक न एक बार वैष्णो देवी की यात्रा जरूर करे। आप में से शायद कुछ लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन गए होंगे और आपने वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में दर्शन भी किए होंगे। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी से जुड़े 10 रहस्य बताऊंगा। ये रहस्य पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं माता रानी के सभी भक्तों से विनती करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहना। नंबर 1, गुफाओं का रहस्य। वैष्णो देवी मंदिर में त्रिकुटा पर्वत पर 2 पवित्र गुफाएं हैं। एक गुफा गर्भजून गुफा के नाम से जानी जाती है, जो कि अर्धकुमारी में स्थित है। इस गर्भजून गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। माता वैष्णो देवी मंदिर की दूसरी गुफा भवन के पास स्थित है। इस पवित्र गुफा के अंदर 3 पिंडियां विराजमान हैं, जो कि माता सरस्वती, लक्ष्मी तथा माँ काली की हैं। इस पवित्र गुफा में माँ वैष्णो देवी की कोई भी पिंडी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र गुफा में माँ वैष्णो देवी अदृश्य रूप में विराजमान है। इस पवित्र गुफा के अंदर समय समय पर अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। रहस्य नंबर 2, माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के यहाँ हुआ था। माता वैष्णो देवी के माता पिता काफी समय से निसंतान थे। माता वैष्णो देवी के जन्म से पहले रत्नाकर सागर ने एक निर्णय किया था कि देवी जो भी करेगी उसकी इच्छा के रास्ते में वह कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी के बचपन का नाम त्रिकुटा था, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जन्म विष्णु पंथ में हुआ था, इसलिए बाद में वह वैष्णवी कहलाई। रहस्य नंबर 3, जब देवी 9 वर्ष की हुई तो उनको ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है। उसके बाद देवी त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को अपने पति रूप में पाने के लिए रामेश्वरम में समुद्र किनारे तपस्या शुरू कर दी। ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे। उस समय देवी त्रिकुटा की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। तब देवी त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में पत्नी व्रत रहने का संकल्प लिया है, तो मेरा विवाह माता सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन देवी त्रिकुटा के बार बार आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि वह जब लंका से वापस आएंगे तो आपने मुझे पहचान लिया तो आपसे विवाह कर लेंगे। लेकिन जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद माता सीता के साथ वापस लौटे, तब उन्होंने अपना मायावी रूप धारण कर लिया था, जिस कारण देवी त्रिकुटा भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाई। देवी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, हे देवी, मैं इस जन्म में तुमको अपने साथ नहीं लेकर जा सकता और मैं कलयुग में फिर से आऊंगा और आपके साथ शादी रचाऊंगा। तब तक आप त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और सिद्धियां प्राप्त करो और मानव जाति का उद्धार करो। ऐसा बताते हैं तभी से माता त्रिकुटा पर्वत पर आ गई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता की रक्षा के लिए भेज दिया और भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार कलयुग में आज भी माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है। रहस्य नंबर 4, वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले किया गया। माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण ब्राह्मण और माता के अनन्य भक्त श्रीधर ने कराया था। श्रीधर बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता वैष्णो श्रीधर के सपने में आई और उनसे एक भंडारा कराने का आग्रह किया। इसके पश्चात श्रीधर भंडारा कराने के लिए जुट गया। भंडारे के लिए श्रीधर ने सभी लोगों को आमंत्रित किया। भंडारे के समय ज्यादा भीड़ आ जाने के कारण जगह कम पड़ने लगी और भोजन भी कम पड़ने लगा। उसी समय माता वैष्णो एक छोटी बच्ची के रूप में वहां पहुंची, तो माता वैष्णो ने भंडारे की सारी कमियां दूर कर दी और सभी लोग अच्छे से भंडारा खा रहे थे। जब ब्राह्मण श्रीधर ने कन्या के रूप में आई माँ वैष्णो से मिलना चाहा, तो कन्या वहां से अचानक गायब हो गई। समय के पश्चात माँ वैष्णो श्रीधर के सपने में आई। उसके पश्चात श्रीधर को ये मालूम चल गया था कि उस दिन भंडारे में आई छोटी कन्या माता वैष्णो देवी ही थी।
इसके पश्चात माता वैष्णो देवी ने श्रीधर को त्रिकुटा पर्वत के ऊपर स्थित गुफा के बारे में बताया और इसके पश्चात श्रीधर माता वैष्णो की पवित्र गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात श्रीधर उस गुफा के पास पहुंच गया। श्रीधर ने यह निर्णय किया कि वह पूरा जीवन इसी गुफा के पास रहकर माता रानी की सेवा करेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण श्रीधर ने माता वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया। रहस्य नंबर 5, माता वैष्णो देवी की इस पवित्र गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता वैष्णो ने भैरव को त्रिशूल से मारा था। उसके पश्चात भैरव का सिर कटकर त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर भैरव घाटी में जा गिरा। इस प्रकार से भैरव घाटी में पवित्र भैरव मंदिर का निर्माण हुआ और तभी से माता वैष्णो देवी के मंदिर में भैरव का शरीर विराजमान है। माता वैष्णो जानती थी कि भैरव उनके हाथों से हत्या कराकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। माता वैष्णो ने भैरव को जीवन मरण के चक्र से मुक्त किया और साथ ही में एक वरदान दिया, कहा कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहा है वह पवित्र गुफा में दर्शन करने के पश्चात भैरव घाटी में भैरव के दर्शन जरूर करेगा, तभी उस भक्त की माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी मानी जाएगी। और आज भी वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। रहस्य नंबर 6, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर देवी की पूजा की गई। महाभारत काल में की गई देवी की पूजा से देवी प्रसन्न हुई और देवी प्रसन्न होकर वैष्णो देवी के रूप में प्रकट हुई। रहस्य नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह ने माता वैष्णो देवी का दौरा किया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान संतों ने माता वैष्णो देवी का दौरा किया। रहस्य नंबर 8, माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए मुख्य रास्ते का निर्माण सन 1977 ईस्वी में किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक दूसरे ताराकोट मार्ग का भी निर्माण किया गया है। रहस्य नंबर 9, माता वैष्णो देवी के भवन प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां पर आप किसी भी मौसम में देखेंगे तो हर समय यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रों में माता रानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दान में मिलते हैं। रहस्य नंबर 10, अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसको कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित यह पवित्र मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। नवरात्रियों में यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे माता वैष्णो देवी के 10 रहस्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।